समुद्र वाली जगहों को देख देख कर ऊब चुके हैं, तो देखें महाराष्ट्र का मशहूर लवासा शहर जो घिरा है सात पहाड़ियों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र राज्य के मशहूर लवासा शहर में। अक्सर हम उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करते हैं जिनके बारे में हमने सुना होता है या फिर जिनके बारे में हमें जानकारी होती है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शहर लवासा में देखने लायक जगह कौन कौन सी हैं और लवासा में हम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, लवासा जिसे महाराष्ट्र के लोकप्रिय हिल स्टेशन में गिना जाता है। लवासा सात पहाड़ियों में फैला हुआ है जो 25,000 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। मुंबई पुणे के नजदीक होने के कारण यहां सैलानियों का आवागम लगा रहता है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो लवासा हिल स्टेशन घूमने जरूर जाएं। यहां आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करने के अलावा बहुत ही चीजें देखने को भी मिलेगी। तो बात करते हैं आखिर लवासा में पहुंचा कैसे जाएं। लवासा पुणे के नजदीक है जहां आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां का नजदीकी हवाई अड्डा पुणे और मुंबई एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आर लोनावला रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। बेहतर सड़क मार्गों से लवासा राज्य के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मुंबई से लवासा की दूरी करीब 4 घंटे की है और पुणे से लवासा की दूरी करीब 2 घंटे की है। दोस्तों, बात करते हैं इस खूबसूरत शहर लवासा में देखने लायक जगह कौन कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं लेकशोर वाटर स्पोर्ट्स से। लवासा वरसगाम झील के तट पर मौजूद है, जिसकी वजह से लवासा में एक नहीं बल्कि कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस जगह का आनंद लेने के लिए यहां मुंबई के लोगों के साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी यहां लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आप जब भी लवासा आएं तो जेट स्की, स्पीड बोट राइड, पैडल बोटिंग जैसी अन्य कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट जरूर करें। यहां वाटर स्पोर्ट्स करने का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। इन एक्टिविटी से आप अपने ट्रिप को और रोमांचक बना सकते हैं। अगली जगह है घनगढ़ किला। दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ मौज मस्ती करने के लिए इससे परफेक्ट जगह है। शायद ही कोई हो, घनगढ़ किला तामहिनी घाट के मध्य में स्थित है। अगर आप घनगढ़ किला जा रहे हैं तो ट्रैकिंग का भी मजा जरूर लें। मध्यकाल में बने इस किले को मराठा, पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच के कई युद्धों में इस्तेमाल किया गया था। इस किले से आप सुंदर प्रकृति को आराम से बैठकर निहार सकते हैं। अगली जगह है टेमघर बांध। मानसून के समय में यहाँ की हरी भरी हरियाली का आकर्षण और बढ़ जाता है। मुथा नदी पर स्थित टेमघर बांध में आप अपने दोस्तों, परिवार वालों या पार्टनर के साथ घूमने या पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। अगर आप लवासा में हरी भरी जगह तलाश रहे हैं तो टेमघर बांध से बेहतरीन जगह और कोई नहीं हो सकती। बांध की यात्रा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच कर सकते हैं। अपने ट्रिप को और मजेदार बनाने के लिए आप यहां गर्म चाय के साथ साथ भुट्टा का भी आनंद ले सकते हैं। अगली जगह है दासवे व्यू पॉइंट। लवासा हिल स्टेशन की सबसे अच्छी जगहों में से एक है दासवे व्यू पॉइंट। यहां के आसपास के सुंदर दृश्य टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं। इस पॉइंट से आप पहाड़ों की खूबसूरती, शानदार झीलें और नदियों को निहार सकते हैं और यही वजह है कि इस जगह को दासवे व्यू पॉइंट कहा जाता है। अगर आप पक्षी और प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए ये जगह बेस्ट है। यही नहीं, आप यहां से आप सूर्य को अस्त होते हुए भी देख सकते हैं। अगली जगह है देवकुंड वाटरफॉल। लवासा में देवकुंड झरना एक छिपा हुआ रत्न है। 20 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी को देख यात्री तरोताजा महसूस करते हैं। यहां पहुंचने के बाद देवकुंड पर्यटन टीम आपको कैंपिंग, ट्रेकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी देती है। ट्रिप को और यादगार बनाने के लिए आप यहां के गांव में छोटे छोटे फूड स्टॉल में स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। अगली जगह है प्रोमेनेड लवासा। लवासा हर तरह के सैलानियों का स्वागत करता है। यहां प्रकृति प्रेमी से लेकर एडवेंचर और खाने पीने शौकीन भी यहां का शानदार अनुभव कर सकते हैं। लवासा फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहां शानदार होटल और रेस्टोरेंट लग्जरी सेवा देने के लिए मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लवासा जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। यहाँ का मौसम साल भर खुशनुमा बना रहता है, इसलिए आप यहाँ किसी भी महीने आ सकते हैं।
खासकर गर्मियों के दौरान यहाँ पर्यटकों को आराम और मौज मस्ती करते ज्यादा देखा जा सकता है। मानसून के दौरान आप यहाँ मौसम का जायजा लेकर आएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो।